आज 4 जून 2024 है और जैसे कि सुबह देख रहे हैं आप, बादल छाए हुए हैं। टेम्परेचर वही अराउंड 28-29 के आसपास है। अभी मैं देख रहा था तो 29 था। पीला रंग बादलों के अंदर आ चुका है। सुबह का जो समय हम देखते हैं जब सूर्य का उदय होता है, तो उसी के साथ साथ चारों तरफ आकाश में अलग अलग रंग और ये बादल हल्की हल्की बूंदे बहुत ही सुंदर मनोरम छटा सुबह की। क्योंकि बादल छाए हुए और ऊपर से पीलापन लेकर के बहुत ही बहुत सुंदर जो छटा है वो अभी दिख रही है। बिजली की अभी गड़गड़ाहट, ये उत्तर पूर्व की दिशा की ओर चलते हैं और देखते हैं सूर्य की स्थिति। हल्की बूंदाबांदी अभी हुई है, बहुत ही छोटी सी, और एक बूंद की जो कीमत है वो दिनेश बाबू तुम क्या समझो। एक पेड़ जो इतने दिन से तप तप कर सूख चुका था, उसकी पत्ती पर जब एक बूंद डलती है तो उसकी तृष्णा जो है, उसकी गर्मी जो है, उसकी जो प्यास है, उसकी जो स्वाभाविक प्यास है, उसको जो है वो तृप्ति मिलती है। तो इस तरीके का वातावरण है सुबह का और बहुत ही शुभकारी, बहुत ही देश के लिए भी बड़ा अच्छा है। और आज वर्षा हो रही है तो सभी कुछ पुरानी जो चीज़ें हैं वो बह जाएंगी, नई चीज़ें जो है वो आएगी और उसको एक नया जीवन मिलेगा। ये पहली बरसात होगी इस सीज़न की के बाद। इस जगह से मैं आपको सूर्य उदय को दिखाता हूँ। पहले बैक साइड में ऐसे ये सूरजमुखी के खेत है तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और इस साइड में जो है ये एक सोसाइटी है, अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, तो सीवेज का, इलेक्ट्रिसिटी जो है और दूसरे जो पाइपलाइंस हैं उनके काम पूरे हो रहे हैं। बैक साइड में ये स्कूल है, कंस्ट्रक्शन जो है वो फ्लैट्स हैं बैक साइड में, इस तरीके से ये चारों तरफ होता है। सूर्य भगवान जो है वो, उनका उदय हो चुका है, बादलों की वजह से वो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं वो स्तंभ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज मैं आकाश दिखा सकता हूँ कि एरोप्लेन अगर दिख जाए तो। अभी तो ये तो है आज के सुबह की स्थिति।
सभी की इच्छा है कि बारिश हो जाए तो कुछ मौसम में जो है गर्मी से राहत मिले। आकाश में विभिन्न रंगों की छटाएं, अलग अलग रंगों का जो है स्थिति आ चुकी है। कहीं पीला रंग है तो कहीं हल्का सा लाल रंग लिए, इधर ये पीला रंग आ चुका है। सूर्य भगवान की स्थिति जहाँ है वहाँ जो है वो हल्का पीला रंग आ चुका है। एक कोयल कहीं दूर बोल रही है और इस साइड कहीं दूर होगी। और मौसम आज का ही है और सूर्य भगवान का उदय तो काफ़ी पहले ही हो चुका था। टेम्परेचर 20 डिग्री सी के आसपास, वही ठंडी हवाओं का। अभी जो हल्की सी एक छोटी सी फुहार पड़ी थी ठंडी हवा की के साथ में बारिश की, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा अभी इम्पैक्ट तो नहीं आएगा। लेकिन मेरा भी ये है कि आज मैं पहली बारिश में ना हूँ और इस मौसम को एंजॉय करूँ। तो और ये कस्बे की ओर जब देखते हुए तो छत से मैं अब ना रहा हूँ और छत से ही आजकल दो तीन जितने भी वीडियो हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन बहुत ही एक सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं। बड़े बड़े टावर भी अब आ चुके हैं इधर काफ़ी। पॉपुलेशन इधर आ चुकी है इस साइड में। चलो फिर मैं आपको एक बार जो है कोयल की आवाज़ सुना दूँ और देखते हैं कि पक्षी ये है। अभी हल्का हल्का बूंदाबांदी स्टार्ट हुई थी लेकिन जो है बंद हो चुकी है यार। मुझको तो लगता था कि भाई थोड़ी आज बारिश होगी और अच्छा रहेगा। अभी भी बादल हैं आकाश में, तो अभी बादल दिखाई पड़ रहे हैं और ये बादल जो है इधर तो बिल्कुल काले बादल से हैं। लगता है कि बारिश कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, चांस हम मिस ना कर जाएं बारिश का। इधर सुबह की स्थिति और स्थिति के साथ में जो है चारों तरफ का वातावरण, विभिन्न रंगों के साथ प्रकृति खेलते हुए, तेज हवा है। हवा इतनी तेज है कि थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि हवा चल रही है। और बीच से ये रंगों के साथ में जो है कुछ आसमान और कुछ बादल। लेकिन इस साइड में जो बादल है, ये जो बादल इस साइड में दिख रहे हैं, ये मुझको लगता है बारिश कर सकते हैं। इस साइड में थोड़ा सा भी है मुझको लगता है कि बादलों का, और ये बादल शायद बारिश करके चले जाए थोड़ी बहुत। अगर ऐसा होता है तो बड़ा अच्छा है सभी के लिए। पशु पक्षी भी बड़े परेशान हो चुके हैं सूखे के कारण जो है ना। बहुत एक तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहा और पशु पक्षियों के लिए तो ये बड़ी ही जो है एक विपरीत परिस्थिति है, जहाँ सूख चुका है हरा घास की अब नहीं है। और बारिश होगी तो हरा घास हो जाएगा, पानी की व्यवस्था उनके लिए हो जाएगी जीव जंतुओं के लिए, और वो भी एक खुशी का अनुभव करेंगे वापस प्रकृति अपना हरे रंग को लेकर के आए। अभी तो पेड़ पौधे भी जो है छोटे छोटे पौधे तो जल भी गए, सूख चुके हैं ऑलमोस्ट ना, तो उनको मिल जाएगा। और इस तरह से सूर्य भगवान का उदय हो चुका है, अब वो एक स्थिति पर आ चुके हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरम दृश्य है।
और आज तो वैसे ही बादल होकर के जो प्रकीर्णन हुआ है उसमें तो और भी छटाएं दिख सकती हैं। तो कहीं नीला रंग है तो कहीं ये काला रंग है, तो आज कहीं ये हल्का सा पीलापन लिए और ये आसमानी रंग। तो इस तरीके से सुबह के रंगों की छटाएं, और मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि प्रकृति जो है अपने कितने रंग बिखेरती है सुबह ही सुबह, और उसके बाद प्रकृति के अलग अलग रूप रंग, ये बड़ा ही एक मनमोहक दृश्य मुझको लगता है। तो इसलिए मुझको लगा कि ये सब मैं आपके साथ में शेयर करूँ, विचारों के साथ साथ में प्रकृति जो भी हम लोगों को प्रदान करती है सुबह ही सुबह। तो आपके यहाँ का टेम्परेचर कितना रहा अभी, और आज बारिश की स्थिति है या नहीं है? हल्के बादल या इस तरीके से बादल दिखाई पड़ रहे हैं? देख बीच में ये कहीं कहीं हल्के काले बादल हैं, और अब तो आसमान जो है वो रंग अपना ब्लू कलर लेकर के आ चुका है। इस तरह से जो है आज की सुबह हुई, और आज की सुबह आपके साथ बड़े ही मनमोहक रंगों के साथ में। तो राधे राधे, मिलेंगे फिर किसी वीडियो में। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो जल्दी ही किसी और विभिन्न रंगों के साथ आपके साथ में मिलना, आपके साथ में चर्चा होगी, आपके साथ में विचारों का साझा होगा। अब आप बड़ी अच्छी लग रही है इस टाइम पे ना, और मुझे पक्का है कि जैसे इसका अभी जो कैमकॉर्डर का माइक है उस हवा को पकड़ रहा होगा, तो वो झूं झूं की जो आवाज़ आ रही है वो आ रही होगी। तो मेरे लिए मुझको लगता है इतना ही होगा, नहीं तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी और फिर वो अच्छा नहीं होगा हम दोनों के लिए। बस आज के रंग इतने ही, इतने रंगों के साथ में फिर दूसरे रंगों के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इन राधे राधे। आज 4 जून है, तो आज जो है रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, तो वो भी एक उत्सुकता है। तो चलिए देखते हैं आज के क्या भविष्यवाणी, क्या रिजल्ट, और किस तरीके से तरीके से अपना एंजॉय करते हैं लोग, देखते हैं। धन्यवाद।